Hello, Dr. Ramesh. Oh, Mr. Prakash. How do you do? तुम अपनी कहो, तुम यहाँ कैसे, कब से? ऐसे ही, सैर तफरी। ये कौन है, क्या ब्याह कर लिया? वो ब्याह तो कर भी दिया। कहो, बीवी नई मिली है या सेकंड हैंड? क्या मतलब? कोई खास मतलब नहीं, मेरा मतलब सिपाहशाही से था। तुम्हारी नस्बत मैंने कुछ ऐसी ही सिपाहशाही की खबर सुनी थी। कैसी खबर? कि तुमने बीवी के मामले में हद से ज्यादा कमीटी से काम लिया है, यानी ये कि बिल्कुल मुट्ठी ले उड़े। खैर, कुछ भी हो, चीज अच्छी है और यो मुफ्त तो गया बहुत ही अच्छी। वो डॉक्टर रमेश जो सभी सेंटीलर की बीवी को ले भागा। कहाँ ठहरे हैं ये? इसी होटल में तो ठहरे हुए हैं। ये होटल में? तो फिर ये होटल भी अब शरीफों के लिए नहीं रहा। इसमें भी अब ऐसे वाहियात लोग आकर ठहरने लगे। माफ कीजिए, आपकी वजह से अपने होटल को बदनाम करना नहीं चाहते। बहुत खूब। तो आप कब होटल खाली कर देंगे? कल। और आज नहीं? अगर आज ही आप ये तकलीफ गवारा कर लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। किराए के लिए खाली है तो सही, लेकिन ये शरीफों का मोहल्ला है। क्या मतलब? हाँ, सब बहु बेटियों वाले रहते हैं। भला हम ऐसे लोगों को मकान कैसे दे सकते हैं जो दूसरों की बहु बेटियों को ले भागे? किराए पर नहीं तो मोल ही दे दो। क्या लोगे इस कैबिन का? लेकिन 100 रुपया ले लो, लकड़ी का ढांचा ही तो है। अच्छा। अरे आगे बढ़ो। कुछ मालूम है कल क्या होगा? कल क्या होगा सुनाओ। खुश हो गए? सुना दो। हसो हसो, तुम भी हसो। कल ये समझो तुम कि कल तुम्हें फांसी होगी। तुम्हारे दिल पर चोट लगी? मैं खुश हुआ। अब मैं दुनिया में हर शख्स को रोता हुआ देखकर खुश होता हूँ। तुम हंस रहे हो लेकिन तुम्हारी हंसी मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रही है। इसीलिए तो हंस रहा हूँ ताकि तुम्हें तड़पने का मजा देखो। मुझे अपनी तकलीफों का गम नहीं, लेकिन मेरी बुढ़िया माँ मेरे बाद जिंदा न रह सकेगी। ठीक है, मर जाना ही चाहिए उसे। ने तुम जैसे नालायक बेटे को जन्म क्यों दिया? अच्छा होता अगर पैदा होते ही मेरा गला घोंट देते, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि मैं बड़ा होकर खानदान के नाम को बट्टा लगाऊं। भूत के पांव तो पालने में ही नजर आ जाते हैं। तुम्हारी भी तो औलाद है, क्या तुम आज बता सकते हो कि मेरी बच्ची जेलर की बच्ची है वो? लो, ये कचेरी आ गई। ये थाना आ गया। ये स्टेशन आ गया। और ये घर आ गए। अभी कहाँ आ गया? अभी तो दूर है। अब तो आ गए। अब तो भाई हम थक गए।
घोड़ा चलता ही नहीं, बूढ़ा हो गया, थोड़ी सी दूर में थक जाता है। मार डालोगी और जब मैं मर जाऊंगा तब याद करो। जब मरोगे? जब भगवान चाहेगा। झूठ! जब बाबू मारेंगे जब ही तो मरोगे। बाबू? हाँ, बाबू कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कह रहे थे मैं बंसी को मार डालूंगा। कब कह रहे थे? परसों कह रहे थे। वो तुम्हें क्यों मार डालेंगे बंसी? ऐसे ही कह रहे होंगे। ऐसे ही नहीं, वो तो वैसे कह रहे थे। बंसी, मरना कोई बुरी बात है? बहुत बुरी बात है। मरने भी क्या होता है? बहुत बुरा होता है। तुम्हें रोना होगा, जमना रोएगी, बाबूजी रोएंगे। वो तुम्हें मारे तो तुम मरना ही मत, आई बंसी। हम बताएं, देखो तुम उस दरवाजे के पीछे छुप के बैठी हो। मैं तो यहाँ हूँ। कहाँ हो तुम? फिर आवाज दो। नहीं, अब नहीं बोलूंगी। हार गए भाई, हरा दिया भाई बाली तुमने तो। हार गए? हार गए। निकलो। निकलो? ओहो, तुम उस पर्दे के पीछे थी। ये है वो डॉक्टर रमेश जो जेलर की बीवी को ले भागा। अगर आज ही आप ये होटल खाली कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी हो। ऐसे लोगों को मकान कैसे दे सकते हैं जो दूसरों की बहू बेटियों को ले भागे? सोच रहा था। क्या? यही कि हमने कुछ अच्छा नहीं किया। हम दोनों पछता रहे हैं। और अब पछताने से भी क्या होगा, चिड़ियों ने तो खेत चुकी। अब जिंदगी कटती मालूम नहीं होती। क्या हम यूं ही दर बदर की ठोकरें खाते फिरेंगे? शायद ये भी कोई जिंदगी, न जाने कितनी बदनामियां पीछे है, कितनी उंगलियां हम पर उठती है। दुनिया हमारे जिक्र से भी कानों पर हाथ लगी होगी। ठीक है, जहां में काश पैदा ही न होते, न बन पड़ती है और न होती। पहले तुम दूसरों के किए सुलग रही और सुलगना नहीं चाहती, अब अपने किए पर पछता रही और पछताना नहीं चाहती। इंसान भी क्या है, जिस हाल में नहीं होता तो अच्छा नहीं है। कुछ सुना, यही कर सकता।
डियर मिस्टर दलीप, बहुत दिनों के बाद तुम याद आए, और वो भी अजीब झगड़े की वजह से। तुम्हारी बीवी जलकर हमारे अस्पताल में आई है, चाहो तो आ जाओ। मुझे एक दोस्त की जबानी तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के अफसोसनाक वाकयात मालूम हो चुके थे। डॉक्टर रमेश भी तुम्हारी बीवी के साथ जलकर यहाँ आए हैं, अपनी आंखें खोकर। डॉक्टर, मेरी आंखें, क्या मैं अंधा हो गया? डॉक्टर, मैं अंधा हो गया? नहीं, आओ नहीं रमेश, एक ही ऑपरेशन में तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें बीनाई मिल जाएगी। फील बेटर? थैंक यू। डॉक्टर, अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरा कमाल रखवाली। अभी मैं जी रहा हूँ कमाल। और इसलिए जी रहा हूँ कि तुम्हारी रखवाली मुझे ही करनी पड़े। मैंने जब सुना कि तुम जल गई हो, तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं रहा, तुम मुझसे रहा ही नहीं गया। मैंने सोचा चलो फिर तुम्हारी रखवाली कर देती, तुम्हें इन परेशानियों का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। किए पर मत बताओ, तुमने अच्छा ही किया जो कुछ किया। हरेक का जी चाहता है कि वो सह सपाटा। गालत कहां से लग गई? ओह, जल गया, मैं समझा गालत लग गई। चलो अच्छा हुआ, आखिर तुम पर भी धब्बा आ ही गया। अब तुम दूसरे की सूरत में कीड़े निकालने के लायक नहीं रही। मुझे तुम्हारे इस अख्तियार तुम्हारे रमेश को क्या हुआ? वो कहां गए? उन्हें देखो, दो ही महीने में तुम्हारा साथ छोड़ गए। मैं हूं जो तुम्हें फिर लेने आया, वो भी तुम्हारे साथ ही जल गए। आंखें जाती रही है, वो शायद इसी अस्पताल ही में तो है। चलो उन्हें देखाए, तुम्हारे कुछ हैं इसलिए मुझे भी उनसे हमदर्दी है। वो मुझसे मिलने आ रही है, मुझसे मिलने क्यों आ रहे हैं? मैं उनसे नहीं मिल सकता, मैं उन्हें अपनी शक्ल नहीं दिखा सकता। वो इसलिए आ रहे हैं कि मुझे मेरी गिजारत करनी है, मुझे कहे कि तू मूर्ति है, तू गद्दार है, कवेश नीच रमेश तू दलील है, और मैं सब कुछ सुनता हूँ और तर्क तर्क कर रहे थे। ये कैसे हो सकता है? ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। चलो उठो फिर घर चलेंगे, कृष्ण तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, जमुना भी, बंसी भी। नहीं, अंधा है। अंधा हूँ भाई। ओ, अंधा है, तब तो तुझे टकराव ही चाहिए था। जमुना, तुम्हारी मालकिन आ गई, कुछ बदल गई है। मालकिन आ गई है? कहाँ है? मोटर में है, उन्हें उतारो। बहू जी, अच्छी हो जाना, आओ
देखो इन्हें उस कमरे में ले जाओ। आज हमारे घर के भाग फिर कुछ ऊंचे हो गए हैं। तुम्हारी बहू जी रूठ गई थी, अब मन गई हैं। इनकी खातिर और मदारात में दिन रात एक कर दो, कहीं ऐसा ना हो ये फिर खफा होकर निकल खागे। और सुनो, इनकी जरूरतों की चीजें, इनके आराम के सब सामान यहीं जमा कर दो, इन्हें कमरे से निकलने की जरूरत ही ना पड़े, समझी? इनसे पूछ देखो इन्हें क्या क्या चीजें पसंद हैं, क्या क्या चीजें नहीं पसंद हैं। तुम्हें तो अच्छी अच्छी तस्वीरें पसंद होंगी। कृष्णा कहाँ है? कृष्णा घर में है, मैं उससे मिलूंगी। मिलोगी? क्या करोगी उससे मिलके? तुम तो उसके लिए मर चुकी हो, मरे हुए को जिंदों से वास्ता ही क्या है। तुम उससे नहीं मिल सकती, न तुम माँ बेटी एक दूसरे को देख सकती हो। सबसे ज्यादा तो तुम्हें खूबसूरती भली लगती है, और ये मैं तुम्हें हर वक्त सिखा सकता हूँ। और जब किसी जूते के टूटू बोलने की आवाज आ रही हो तो समझ लेना चाहिए कि जूते वाला मुफलिस फैशनेबल है, और वो 2 पैसे तक ठीक में दे सकता है। और जब किसी जूते की आवाज नकारे की आवाज की तरह आ रही हो तो समझ लेना चाहिए कि जूते वाला कोई एकड़ी बात है, और वो अकड़ ही अकड़ में 1 अन्नी तक ठीक में दे सकता है। आगे? और जब किसी जूते की आवाज बहुत ही धीमी हो, काना फूसी की तरह, तो समझ लेना चाहिए कि जूते वाला बहुत अमीर है, और वो या तो बिल्कुल कुछ नहीं या बहुत कुछ दे सकता है। इस किस्म के राजगीर को पहचानने के भी बहुत से तरीके हैं, जो मैंने अभी नहीं सीखे। इतना भी नहीं सीखा कि इन राह चलतों से भी कहने का क्या दस्तूर है? अभी इतना ही सिखाया है। हर काम के ताई सिखाई जरूरी है। ये तो है ही चौधरी जी, पढ़ाई का काम, लोहार का काम, नाल गड़ने का काम, घास खोदने का काम, ये बिन सिखाए थोड़े ही आवे। सिखाई पढ़ाए भी सुना है बड़ी मुश्किल से आवे है, फिर फीस मांगने का फन तो बड़ा सख्त पद है, लोहे के चने चावने पड़े हैं। छाया से थोड़ी डरू हूँ, चौधरी से डर लगी है। वो स्थिर है मासू का, उसे अगर पता चल गया तो पसली देखो। डांडिया मैं जानू सुंदर है, मेरा ख्याल भी यही है। जल्दी भी यही कहता है, सुंदर है जल्दी तो मरता है। पर उस बिचारी को क्या पता कि वो कितनी सुंदर है। क्या छाया सुंदर है? बड़ी सुंदर। कैसे जाना? चौधरी जो उस पर जान देता है, अच्छा वो भी उससे मरती है। ये वो तो चौधरी से कतरावे है। Thank you.
हमने से सूरज तो कोई भी किसी की होती बातें करके भी जान पहचान बढ़ा दी। कितनी कड़वी हैं मेरी बातें, बुरी बातें। मेरी हर बात बुरी है, मेरा अच्छा ही क्या है? तुम्हारे समझने की बात है। पपी है कि पुकार भी सुनने में सुरीली और समझने में दर्दनाक होती है। किसी भट्टी में डाल के अगर तुम मुझे डाल दे तो फिर सारी तक न सकती। कोई आरा धीरे धीरे मुझ पर चलता रहता, मैं पड़ी धीरे धीरे करती रहती तो शायद पद्मसाथी तक मिल। लेकिन तुम्हारी बातों में अंगारों से कहीं ज्यादा जलन है, तुम्हारी मुस्कुराहटों में आरी की तरह से भी ज्यादा दुखन है। होगी, अपनी अपनी राय है, पसंद अपनी अपनी, नजर अपनी अपनी। मुझे यूं मत मारो, बड़ी तकलीफ है इस मरने में। तो मजा किस मरने में है? कहते हैं हर तकलीफ के बाद राहत होती है, अगर ज्यादा तकलीफ से मरोगी तो ज्यादा राहत पाओगी। ये तुम मिजाज पूछने आए हो, ये तुम्हें हो क्या गया है? मुझसे पूछती हो मुझे क्या हो गया है? इनसे पूछो जो मेरा कलेजा निकाल के ले गई थी,
जो मुझे उजाड़ के चल दी थी। तो इसीलिए आते हो तुम कि इनका एक एक घूंट करके खून चूसो? और इसलिए भी कि वो छाले तो फोड़ डालूं जो ये डाल के गई थी। ये छाले मुझे सोने नहीं देते। पाँव कभी न कभी फिसल ही जाते, पर उन्हें कोई तोड़ थोड़ी ही डालता है। बहुत कर चुकी हूँ, अब बस कर लो। अभी मैंने किया ही किया है, अभी तो धुआं घुटी रहा है जो ये मेरे सीने में भर गई थी। अभी तो खंजर चुभोया ही है मैंने। थोड़ा बहुत कलेजा तो काट लेने दो इनका। हमने किसी को किसी खता पर ऐसा बदला लेते नहीं देखा। इतना किसी को सताओ अगर सताना चाहो कि वो सह सके, और अगर इन्हें मारने ही की ठान ली है तो एक ही मरतबा इन्हें मार डालो, ये झगड़ा ही मिट जाएगा। और तुम्हारा सलूक मारने से भी ज्यादा है। जो मजा तुम इनको सता के चखना चाहते हो उससे कहीं ज्यादा मजा इनके माफ कर देने में है बाबू। खैर, तुमने मुझे पाला है, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया भी है, और इस सिखाने के जमाने में मारा भी होगा शायद। लेकिन अब मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूँ, और ऐसे मामले में और भी जिनका लगाव मुझसे है। मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो तुम्हें देखना पड़ेगा, और अगर ये तुमसे नहीं देखा जाता तो तुम इस घर से जा सकती हो। मुझे वैसे आदमियों की जरूरत है जो मेरे कामों में दखल न दिया करें। मैं तुम्हारी खिलाई हूँ, तुम मेरी गोदी में पले हो, भूल गए? याद है इतने दिनों के पाल पोसने का, इतना कि मैं तुम्हें किसी ऐसे काम से रोकती हूँ तो बुरा है। और सब बातें मनवा सकती हो तुम मुझसे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं जिनका ताल्लुक मुझसे और कमल से है। ये मेरा और इनका मामला है। इन्होंने मेरे साथ जो कुछ किया, अगर मैं इसका नतीजा इन्हें समझा रहा हूँ तो इसमें बुरा क्या है? बारह, तेरह, चौदह, और वो बुढ़िया उठे मत पर ये था इधर अजी उसी तो ऐसी तैसे। उई, गिरी होती मैं। तू कहाँ जावे पावली? कमाने चौधरी। अरे तुझे क्या जरूरत पड़ी है कमाने की? मैं जो इतना कमाऊं? तुम कमाओ हो तो मुझे क्या? अरे तेरी खातिर तो कमाऊं। मेरी खातिर? चौधरी जी की बातें। तुम्हारी बातें ही ना समझती तो भीख मांगने को ताई मत जाया कर। अजी चौधरी जी, क्या है? अजी देर हो रही है। छाया, किधर हो तुम? हाथ ला। लो क्या रहा? आज कौन से चौक पर जमे की पार्थी? आज भगवान की कृपा किस नुक्कड़ पर बरसेगी? वो भूलर वाला जो चौक है ना, कल वहाँ मौत हो गई है। फिर तो मजे है, मुर्दे को स्वर्ग तो हमारी झोली के भरने पर ही मिलेगी। अजी अब वो बातें कहाँ है, अब तो भीख का बाजार भी ठंडा पड़ गया है, कोई अपने मुर्दे को स्वर्ग में देखता ही ना है। चौधरी जी, ये नया अंधा बड़ा काइया है, ये तो जिस हंडिया में खावे उसी में छेद करे है। चौधरी हूँ मैं भी, मैं तो काइया का भी बाप हूँ।
बहू जी सो गए देखा कितना वक्त रोई हूँ तो हल्का हो जाओगी हल्का ही तो नहीं होती जो ही रोती हूँ ये दिन रात के रोने से क्या बनेगा कुछ तो होगा जमना तेरे कलेजे पर अगर मुंह डली जाए तो किसका हित तक न भरेगी मुझ पर जो गुजर रही है उसे मैं ही जानती हूँ मैं भी जानती हूँ और फिर कहती है कि रोती क्यों हो जो नस करके मेरे कलेजे में चुप हो जाते हैं वो आखिर मेरे कलेजे का खून न करे तो क्या करे न रो तो और क्या करूँ जिस तकलीफ से बेचैन होकर रोना पड़ता है उसे कहीं ज्यादा तकलीफें हैं जिनके बीच में डाल दी गई तू तो मेरी बिस्ता सुन के रोक ली मुझे देख के तेरे तो आंख से निकल पड़े और मेरा जिस पर गुजरती है क्या कुछ काल होता होगा जमना क्या तेरा दिल भी मेरी मुसीबतों पर नहीं पसीता जो तुम्हें इसको गवारा कर सकती है कि एक माँ अपनी बच्ची से बिछड़ रहे नजदीक होते हुए भी उसकी सूरत न देख सके तू भी माँ बन चुकी है तूने भी ममता का मजा चखा है एक बार मुझे मेरे केशव से मिला दे उसे जाके कह दे तेरी माँ आ गई है अच्छा आज के बाद जो गुजरेगी उसे मर चली चलो क्या मैं चलो कैसे से मिले क्या तुम मुझे बाहर से मिला दोगे केशव केशव वाली वाली माँ आई है केशव केशव माता बाबू माता भाभी माता भाभी माता भाभी माता भाभी वाली वाली मेरी प्यारी मेरी बाली मेरी लाडली बाली बाली माता तुम माता हो तुमने मुझे नहीं पहचाना तुम मुझे भूल गई अपनी माँ को बाबू कहते थे तुम मर गए हो हाँ मैं मर गई तुम्हें देख कर मुझे डर तो नहीं लगता बाबू ने कहा था माता को देख कर तुम डर जाओगी तुम कहाँ चले गए थे माँ मैं चली गई थी कहीं चली गई अब तो नहीं चले जाओगे कहीं अब मत जाइयो मैं रोऊंगी मैं पहले से बहुत रोई थी बाबू ने नहीं पहला तू मैं तो तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ मुझसे भी ज्यादा अब अगर मैं चली जाऊँ तुम रोना मत बाबू के बहलाने पर बदल जाना हा? अब कहाँ चले जाओगे कहीं अगर चली जाऊँ क्यों मुझे जाना ही पड़े मुझे छोड़ के मैं रोऊंगी बाली 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 रोया नहीं करते जो चला जाता है उसे भूल जाया करते हैं तुम भी मुझे भूल ही जाना अगर मैं तुम्हें कभी कभी याद आ जाया करूं तो समझ लिया करना माता नहीं लौट सकती बाबूजी अब चलो बाबूजी ने अगर आके देख लिया देख लेने तो फिर तुम कभी न मिल सकोगी फिर मैं मिल सकूंगी जा रही हो फिर भी आओगी
यमुना, इस वक्त तुम यहाँ क्यों आई थी? मैं खूब समझता हूँ तुम्हारी बातें। मेरे हुक्म के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है, तुम्हें अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। तुम अपने खिलाफ मुझे किसी तरह की बुराई करने पर आमादा मत करो। जिनको बुखार आ गया है। क्या क्या हुआ केशु को? केशु? हाँ माँ। मेरी बेटी? क्या हुआ मेरी बेटी को? मेरी बेटी का जी खराब है? मेरी बेटी, तुमने मुझे खबर क्यों ना पहुंचा दी? अभी तो आया है बुखार, डॉक्टर को तो खबर कर दो। डॉक्टर को खबर कर दूं? उसे फिर अपने घर में बुला लो ताकि फिर वो मेरा कलेजा नोच कर ले जाए। तुम कभी अपने होश में? यमुना, ये मुझसे कभी नहीं हो सकेगा। कोई भी अपने डूबने के लिए कुआं नहीं खोदा करता। डॉक्टर को तो मैं इस घर में कभी नहीं बुलाऊंगा। और चाहे केशव की हालत उसे क्यों ना हो, तो मुझे डॉक्टर को बुलाना ही पड़ेगा। मिस्टर दिलीप, बच्ची बीमार है, क्या हुआ? अच्छा अच्छा, घबराइए नहीं, अभी आया। लेकिन जल्दी, बहुत जल्दी डॉक्टर, एक मिनट में, एक सेकंड में आ जाओ डॉक्टर। बहुत बीमार है। कहाँ चली? केशु के पास। नहीं जा सकती। जाने दो मुझे, मुझे मत रोको, मेरा रास्ता छोड़ दो। नहीं जा सकती तुम। माता को मत भेजो, माँ बेटी के बीच से हट जाओ। नहीं हटोगे तो हटना पड़ेगा तुम्हें। मुझे रेत की दीवार मत समझो, समझ लो कि तुम्हारे सामने एक भारी खतरा पड़ा है, जिसे न तुम फलांग सकती हो और न हटा सकती हो। क्यों अगर तुम जिंदगी भर टक्करें मार मार कर उसे सरकाना चाहोगी तो भी। तुम कुछ भी हो, मैं तुम्हें हटा के रहूंगी। और मैं जब तक भी हूँ तुम्हारे सामने से हटने के लिए तैयार नहीं। इतना मत खोला मुझे कि मैं उबल पड़ूं। मैं उबल पड़ रही हूँ, अगर उबल पड़ी तो शायद बुरा होगा। जो कुछ भी बुरा कर सकती थी वो कर चुकी, और अब मेरी बारी है। जिसको कभी मैंने प्यार किया था उसी का कलेजा चबा डालूं। मेरा कलेजा चबाना चाहते हो तो चबा डालो, जो कुछ भी होना हो वो आज हो जाए। लेकिन अभी नहीं हो सकता कि तुम मेरे गले पर छुरी रख के बैठ जाओ और मैं उसके चलने का इंतजार किया करूँ। यही तो होगा कमल, बिल्कुल यही। मैं एक बार छुरी फेर कर ठंडी कर देना नहीं चाहता। तुम्हारी गर्दन पर छुरी रखी रहे और तुम कांपती रहो, तुम्हारी गर्दन हौले हौले कटती रहे और तुम लड़कती रहो, तुम्हारा खून बहे लेकिन एक एक बूंद होकर बहे, तुम्हारी जान निकले लेकिन आहिस्ता आहिस्ता निकले, तुम दर्द से रोना चाहो और मैं तुम्हें रोने न दूं, तुम बच्ची से नजदीक होकर भी बच्ची की सूरत न देख सको और तड़पती रहो, अब मैं इसी में खुश हूँ। आज तुम्हारी ममता खौल रही है, बेटी को छोड़ते वक्त इस ममता को कहाँ दबाई थी, किस गड़े में फेंक आई थी इस ममता को? एक ही ठोकर के बदले में मैं बहुत ज्यादा फेंकी, लेकिन आप उसे सहा नहीं जा सकता। नहीं सहा जाता तो मैं क्या करूं? मेरी तो तमन्ना ये है कि तुमसे जो कुछ भी न सहा जाए वो ये सहने के लिए तुम्हें मजबूर करो। मैं नहीं कह सकती, नहीं कह सकती, अब नहीं कह सकती। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। डॉक्टर, तुम जानते हो या तुम नहीं जानते? मैं जानता हूं। क्या जानते हैं आप? मैं ये जानता हूं कि जब कभी कोई डॉक्टर मेरे घर में आता है तो मेरी जिंदगी की रौनकें चुरा कर ले जाता है। कहीं तुम भी तो इसलिए नहीं आए हो कि मेरी जिंदगी का ये बचा खुचा सरमाया भी लूट कर ले जाओ? क्या कह रहे हैं आप? ऐसा मत करना डॉक्टर, यही मेरी जिंदगी का सहारा है। मेरी वीरान दुनिया में यही एक आबादी रह गई है, कहीं से भी मत उजाड़ देना डॉक्टर।
आप मायूस क्यों हुए जा रहे हैं? बापू। केशव। बापू। बेटा। माता जी से मिलूंगी। माता से मिलोगी? मुझे बुला दो। बापू नहीं मिलने देते, अब उनसे मन जा, वो आप तुमसे नहीं छूटेंगे। बाबू वाली का कहना मान लो आप, अब जिद करने का वक्त नहीं है। अब बंजारा कुत्ते को मार के पछताएगा। उठो, मालिक की आखिरी बात को अगर तुमने टाल दिया तो वो बार बार तुमसे कहने नहीं आएगी। कमल, कमल चलो बाली से तुम्हें मिला दो। बाली ने तुम्हें बुलाया है, वो तुम्हें याद कर रही है। कमल उठो, मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ, मैं तुम्हें मनाने आया हूँ। कमल तुम रुक चुकी, जमुना जमुना कमल लौट गई, वो फिर भाग गई। जमुना बाबू इसे मनाओ, इनसे कहो केशव ने तुम्हें बुलाया है, केशव तुम्हें याद कर रही है। कहो इनसे, जोर से कहो, इनसे कहो दिलीप ने तुम्हें माफ कर दिया। पुकारो इन्हें जमुना, लौटाओ। बाबू बाबू ला, माता को जल्दी ला, नहीं लाते बाबू। केशव तुम्हारी माता फिर चली गई, वो लूट के चल दी, तो तुम्हें उन्हें मना कर लाओ। Bye.
जी शौकीन क्या लाया हो? आज तो दिन खाली रहा। क्या मतबल? आज तो मैं कुछ नहीं लाया। आज कुछ नहीं? आज कुछ क्यों नहीं? नहीं मिल सका। अरे हम पूछे हैं क्यों नहीं लाया तू? ना मिल सका तो किसी की गिरह काट ली होती। इसके हम जिम्मेदार नहीं। मिले या ना मिले, हमारा हिसाब चौकस होना चाहिए। या रख दे चौवन्नी सीधी तरह। कहां से रख दूं? अबे तो हम क्या जाने, रोटी बंद। तुझे तो मैं अच्छी तरह समझूंगा, तुझसे तो मैं खा खाया देखा हूँ। रोज कम हम कहे जाए समझे ही ना महाराया। महाराया चौधरी को तूने पहचाना न था, इब तुझे भीख बड़ी आसानी से मिल रही। अपने जख्म दिखा दिखा कर इब लाए करेगा तू पूरे। चौधरी आदमी थोड़े ही है, कसाई है।
हमारे कारण हुआ ये सब। छाया की कारण मेरे ही कारण हुआ है सब कुछ। तुम्हारे कारण क्यों होता? खैर जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। अच्छा ही हुआ? अच्छा ही हुआ। ये न होता तो फिर ये सुख कैसे मिलता? तुम मेरे जख्मों पर मरहम रख रही हो, यही सुख मेरे लिए। सो रहो, यूं कब तक जागती रहोगी? जब तक तुम जागते रहोगे। छाया। हाँ बाबू। तुम छाया मेरे मन की बात समझती हो? मेरे मन की तुम भी समझते हो? तुम्हारे मन की क्या है? ये है कि बाबू तुम बहुत अच्छे हो। इंतजाम खराब किया। सलाम खाओ, निकल गए उस यहाँ से। क्या हुआ चौधरी जी? अबे हमसे पूछे है? ऐसे पूछे है जैसे जाने ही ना। निकल जा तू यहाँ से, हम तुझसे भर पाए। आखिर बात क्या हुई चौधरी? अबे चौधरी के सगे मतबल ये था, और फिर तू बात ही पूछे है? ये हमारी जान से बनी जाए है। जिस तरह नहीं निकलेगा तो मैं सही तरह निकालूंगा। चाची तुम मत बोल, ये मुझे आ गया गुस्सा, और गुस्से में मुझे साठ पास कुछ ना पूछे। क्या है चौधरी? देखो यहाँ में खावे उसी में छेद करे है, ये तो मजाक करे है, और हम ये तो मैं अभी निकाल के रहूंगा। अगर तूने इधर का रुख किया बहुत बुरा होगा। कहाँ जा रही है हमें छोड़ के? फिर हमारी कौन पूछेगा? तू कहाँ जाए बाउली, तुझे तो मैं मजेदार चीजें खिलाऊंगा। मेरी छाया रोएगी तो फिर मैं भी रोने लगूंगा। तू तो बड़ी अच्छी छाया है, तुझे अपने चौधरी के रोने का भी ख्याल रखना। चलो भाई तुम तो चलो, भीख मारने का वक्त निकल जाया है। और तुम? मैं आज न जाने का। जमादार मत मारो भाई ने, मजबूरों को सताने से क्या फायदा। मुझसे अब किसी की भी तकलीफ नहीं देखी जाती। हेलो
क्या हुआ? कह दिया, वो खत्म हो गया। पिताजी से ही मिलोगी? पिताजी से मिलोगी? बेटी को अपने बाप से जुदा नहीं होना चाहिए, बड़े कयामत की बात है ये। और हम तुम्हें तुम्हारे बाप से मिला दें। राम भला करे, 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 राम तो भला करेगा ही, तुम भी तो कुछ भला करो, दोनी लोगी, राम भला करे, चांदी की दोनी, और एक ले आती है। कहीं से भी नहीं, भीख में मिल जाते हैं। अब तो बहुत दयालु हो रहे हैं लोग। तुम्हारी टांगे नहीं चीरी जा सकेंगी। छाया, क्या है? अरे तू तो काटने को दौड़े। मुझसे तुम ऐसे बातें मत किया करो। अरे छोकरी के मिजाजी ठिकाने रहे हैं अब तो। बस बहुत हो चुकी। तुम्हारी तो बातें भी बुरी लगे। अरे वो जो कह दो फिर। क्या कह दो? वही बात क्या कह दो जो कहना चाहते हो। कह दूंगा फिर मैं, फिर कभी कहे तो। चौधरी तुमने क्यों कह दी वो बात? क्या बात है चौधरी जी? वही पैसे कहीं तो मैं जानू। वो पचासियों चाहने वाले चौधरी इत लगी मैं क्यों नहीं देती। बुरी होगी, अब मीठे चावल खा ले। मेरी झूठी खाए तुम्हारे मीठे चावल। तुझको मरू हूँ, तुझको तो मैं जान लू, तो कैसे पकड़ू? तू इस बातें समझते ही नहीं। आखिर मुझमें क्या खराबी है ये तो बता दे। मुझे तुमसे नफरत है। अच्छा, मैं बुरा आदमी हूँ, मेरा काटा पानी ना मांगे। क्या बात है छाया, बताती क्यों नहीं? कुछ भी नहीं। मुझसे पूछो ये ना बताने की, तुम्हारी छाया अब माँ बनने वाली है। क्या नहीं? छाया तू ऐसी हो गई? और कैसी हो गई, पैसे ही उन्हीं थोड़े मिल जाए।
रही है। बाल का धरा फूट कर ही तो रहे है। साथ खुश को बच्चा लगा दिया इस लौंडिया ने तो। मेरी बेटी होती तो जिंदा ही गाड़ देता। सोगे नहीं यार। मुझे क्या पड़ी है। सो जा तू लौंडिया। सो गई। धोखे में अपनी बीवी का गला घोट दिया और छाया को मारने की वजह ये थी कि छोटू को छाया के चाल चलन की तरफ से शक था। मरने वाली का इतनी जोर से गला घोटा गया कि उसकी एक फिस्कारी तक न निकल गई और यो कातिल को किसी तरह ये मालूम न हो सका कि वो जिसे मारना चाहता है मरने वाली वो नहीं है। ठीक है ठीक है। होगी सजा जरूर होगी। अभी क्या बेटा ऐसे गुस्से का नतीजा तो यही होगा कि चढ़ा बेटा सूली पर राम भरी कर। छोटू राम को 17 तारीख सुबह फांसी दी जाए। गरीब बेचारा छोटू। छोटू राम की मौत का डॉक्टर ही सर्टिफिकेट रखो। मरने वाले की लाश का क्या किया जाए। लाश को ठिकाने लगाने वाला कोई नहीं। लावारिस है लाश। एक अंधी लड़की है। कारण हाजिर करो। अब तुम्हारा कोई निगेबान है। कोई नहीं। कोई पड़ रहने को जगह नहीं है। फिर क्या करोगी। अच्छा देखो हमने तुम्हारे पास की लाश सरकार के हवाले कर दी। सरकार उसका अंतिम संस्कार कर दी। तुम अगर चाहो तो मेरे घर चलो।
मेरे घर में उदासियां फैल गई। घर मुझे काट खाने को दौड़ता है। तुम अगर आकर उसे थोड़ा बहुत बता सकती हो तो बता दो। तुम भी ठोकरें खाने से डर जाओ। इतनी बड़ी दुनिया में अकेला रहना बुरा, और फिर औरत के लिए, वो भी तुम जैसी लावारिस औरत के लिए, औरत के लिए। ये क्या है बाबू? ये मोटर है। घूम रहे हो मैं तो। ये मोटर चल रही है। तुम भी चौधरी की टोली के अंधे हो क्या? ऐसी टोली नहीं हो। वो पूछता ये था कि तुमने चौक पर किसी औरत को तो भीख मांगते नहीं देखा? मेरी आंखें कहां जो देखता। छाया नाम है उसका, कहां के भीख मांगती है। मैंने नहीं सुना। अंधे हो? सुनता नहीं? अंधा हूँ भाई। तुम भी अंधे हो? मैं भी अंधा ही हूँ। चौक पर ड्यूटी है तुम्हारी? हाँ, अभी एक महीना ही हुआ तो मैं इस चौक पर तब्दील हुआ हूँ। यहाँ कभी कोई औरत तो आकर भीख नहीं मांगती? यहाँ तो कभी औरत का बच्चा भी आकर भीख नहीं मांगता। और मांग कैसे सकता है? एक जंगल में दो शेर भला कभी रह सकते हैं? औरत यहाँ आकर अगर भीख मांगने लगे तो फिर मुझे भीख कौन दे? कोई कसर न रह जाए। दुनिया के जितने फूल हैं उन्हें समेट कर हमारे बाग में लाकर रख लो। देखो उस तोपे गलत रखे हैं। और अगर उस तरफ पियानो वहां। मसहरी इधर नहीं, उधर। और मसहरी के सिराने ये छोटी मेज। देखो मत, हाथों से काम लो। तैयार है? ये झगड़ा क्या है? ये जहाज के चोचले हैं। अंधी तो है, वो इन चोचलों को क्या देखेगी? अगर मैं तेरे साथ ऐसे चोचले बरतूं तो एक बात ही है। पर ईश्वर गंजे को नाखून ही नहीं देता। मैं समझता हूँ ये उन्हें पसंद आ जाएंगी। और अगर नहीं आई तो इनसे बढ़िया भी है हमारी दुकान। अच्छा, तो वो भी भिजवा दो। तुमने भी इन चीजों को देखा बंसी? देखा, देखती है। ये इयररिंग अच्छे है। ये नेकलेस, ये साड़ियां देखी, और ये जूते, और वो सिंगार का सारा सामान। हम इसे देख बहुत अच्छी है। ये क्या है? है। और ये साबुन है। अरे ये तो मेरे पास नहीं है। नहीं, ये मेरा नहीं है, फव्वारा है। क्या फव्वारा? क्या है जन्ना? कालीन। चलो बाबू बुला रहे हैं।
अच्छी हो छाया? अच्छी हूँ, कोई तकलीफ नहीं मुझे। उधर किसको देख रही हो? बाबू कहाँ गए? और फिर तो मेरे कान में बोल रहे थे। बाबू तो इसमें से बोल रहे, इसमें से चीज में से। नींद नहीं आ रही क्या? पेट में दर्द है? नहीं दे। तो क्या आंखें झुक रही है? अबे नहीं। तो फिर क्यों ना आती नींद? तू ना जानता, आज फुर्कत की सब है और फुर्कत की सब में नींद आ गई ना करे। तू जाने फुर्कत की सब क्या चीज होवे? ना चौधरी जी, मैं क्या जानू फुर्कत की सब क्या चीज होवे। जब किसी से आंख लड़ जावे है तो फुर्कत की सब हो जावे। तू तो है अंधा, तू क्या जाने आंख कैसे लड़े। ओ, हमारे चौधरी जी किसी से जी लगावे। क्यों समझा? अजी दो चार आहे भर डालो, दिल की भड़ास निकल जाएगी। कहाँ निकल जाओगी, पचासियों आए तो खींच डाले। अब एक और तरकीब तो भी कहो। जब दिल की भड़ास आहें भरने से ना निकले तो इंसान को चाहिए वो गा। अगर गाने से भी ये रोग ना घटे तो फिर पीना चाहिए, और अगर पीने से भी तसल्ली ना हो तो आखिरी इलाज इसका संख्या से ही हो सकता है। चौधरी जी, मेरी मानो, आज की रात तुम गा के काट। अच्छा, काहे को गाई बजे जदे सुन बाबला मोरा। काहे को गाई बजे सदे सुन हमको बाबुल तोरे।
कौन मारा? एक दिन वो टोली में भी तुम्हें पूछने आया था। अब अगर वो मिले तो कह देना छाया मर गई। छाया अब तुम्हें नहीं मिल सकती। छाया को ढूंढना छोड़ दो। मिलेगा तो कह दूंगा। ये चढ़ती ढलती छाया है, ये सब दो दिन की छाया है।
Thank you.
नहीं कि मैं बदसूरत हूँ कमल? नहीं नहीं, छा पा के नहीं मिलेगी। इस अंधे जिंदगी से तो मौत ही अच्छी, मैं मर भी तो नहीं चुकती। क्या हुआ छाया, गिर पड़ी? जाने क्या चीज रखी थी यहाँ, सुझाई तो देता नहीं, यू ही ठोकरे खाती फिरती। अब तुम्हें ठोकरे नहीं लगेंगी छाया, कल ही तुम्हारी आंखों का इलाज कराया जाएगा। बाबू! यस। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर दलीप, ऑपरेशन कामयाब रहा। थैंक यू डॉक्टर। रानी जी का जी कैसे है? जी अच्छे हैं। तो फिर हम उन्हें घर ले जाएं? अभी नहीं, 8 दिन के बाद जब दांत खोल दिए जाएं। रानी जी ये आए? जी किधर है? ये अंधापन भी कैसी मुसीबत है? चीरा भी हो चुका रानी जी, टाके भी निकाल दिए गए, अब ये पट्टी कब खुलेगी? 4 दिन के बाद। चाहती हो क्या करोगी मुझे देख के? मैं तो दुनिया वालों से कुछ जुदा हूँ। बाबू छाया आंखें मुबारक है। बस डर गई, और हमने तो कहा था आखिर वही हुआ, तुम डर ही गई। आज मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि आज मैं बहुत खुश हूँ। इंतहाई खुशी किस तरह बर्दाश्त कर सकूं, किस तरह बर्दाश्त कर सकूं ये खुशी? ज्यादा खुशी से भी दिल फटने लगता है। मेरी खुशी की तो कोई इंतहा ही नहीं रही। बंसी, रानी को घर की तमाम चीजें दिखा दो, एक एक चीज इस घर की। बाबू चलो मुझे दुनिया दिखा दो। हाँ चलो, तुम भी कपड़े बदल दो, मैं भी कपड़े बदल कर आता हूँ। तुम्हारी हंसी से रोने की आवाज आती है। इस तरह रोना छोड़ दो, इस तरह का रोना बहुत बुरा है। अब के जो मेरे जख्मों के टांके टूटे हैं, मेरी जिंदगी खंडर तो थी ही, इधर से उधर तक अंधेरी। जाने तुम्हें क्या होता जा रहा, 4 ही दिन में तुम्हारे बाल भी चट्टे पड़ गए। आखिर वो कौन सा दुख है जो तुम्हें खाया जा रहा है बाबू? बाबू रानी रो रही है। रानी रो रही है? रानी क्यों रो रही है? जाने क्यों रो रही है?
नहीं हो? नहीं तो छुपाती हो? मुझे रोने की क्या पड़ी? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या दुख है तुम्हें? नहीं बाबू, मुझे तो कोई दुख नहीं, मैं तो बड़े सुख में हूँ। झूठ बोलती हो? जरा उस शख्स के निस्बत भी सोच लो, उसके दिल का भी क्या हाल हो रहा होगा जिसने तुम्हें सुख पहुंचाने के लिए अपने तमाम बल निमटाते रख दिए, और फिर आज वो तुम्हें रोता हुआ देख ले। सोच लो। कोई भी तो बात नहीं बाबू। तो फिर तुम रोई क्यों? ऐसे ही रो पड़ी। ऐसे ही कौन रोया करता है? अब भी अगर कोई खास भी रह गई हो तो कह दो, मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खा छाया तो तुम्हारे मन में क्या, तुम अब और क्या चाहती हो? वो क्या दर्द है जिसकी तकलीफ से तुम रो पड़ी? मुझे अपने घर से निकाल दो। तुम्हें अपने घर से निकाल दो? मुझे फिर वही बना दो, मुझे फिर से कारण बना दो बाबू, अंधे बना दो, मैं तो वैसे अच्छी थी। यहाँ तुम्हें कोई दुख है छाया? ये स्वर्ग मुझे नहीं भाई, यहाँ मेरा दिल रोता है, यहाँ मैं खोते रहती हूँ, ये सब मुझे खाए जा रहे हैं। ये तुम क्या कह रही हो छाया? मैं उस कांटों की दुनिया में अपना जीवन उठाई, तुमने मेरे साथ बहुत कुछ किया, लेकिन यहाँ आकर मैंने जिसे खो दिया है उसे तुम ढूंढ कर नहीं ला सकते। तुम्हारी क्या चीज गुम हो गई है? मुझे वो चीज बता दो, मैं उसे कहीं से भी ढूंढ लाऊंगा। तुम उसे लाओगे? हाँ, बताओ। बस करती हो? किससे मोहब्बत करती हो? तुम नहीं कहोगे? तुम भी रमेश बाबू से मोहब्बत करती हो? तुम भी? कहीं जा रहे हो? हाँ। तो इस वक्त भी खाना नहीं खाओगे? नहीं। कहाँ जा रहे हो? कोई जरूरी काम है? बहुत ही जरूरी। मैं इसलिए जा रहा हूँ कि जहाँ भी कहीं तबाही मिल जाए उसे उठा लाऊं। एक लुटेरे से ये कहने जा रहा हूँ कि मेरे घर में फिर थोड़ी सी पूंजी जमा हो गई है, उसे लूटने के लिए तुम्हारी जरूरत है। चलो चलकर लूट लाओ। मैं तो हूं ही इसलिए कि जो कुछ भी जमा करता रहूं लुटाता रहूं। कहां बाबूजी? ले चल भाई, सारे शहर की खाद छानने ले चल। अंधे का सवाल है सबके ऊपर। रमेश को जानते हो? अंधे का सवाल है। रमेश को भी जानते हो तुम? रमेश कौन? अंधा रमेश, तुम नहीं जानते? जाने कौन रमेश? ओ मियां साईं। तेरा है खुदा बाबा। ओ मियां साईं। हाँ बाबा। रोजी बड़े बाबा। रमेश को जानते हो? हाँ। रमेश को भी जानते हो तुम? हम अंधे ऐश क्या जाने, ऐश तुम्हें ही मुबारक हो। तेरा है खुदा बाबा। तेरा है खुदा बाबा। तेरा है खुदा Thank you.
ये तुम कई दिन से मारे मारे क्यों फिर रहे हो? सारे दिन गलियों और सड़कों की खाद छानते फिरते हो, क्यों? तमाम दिन भूखे रहते हो। तुम्हारी तंदुरुस्ती बिगड़ रही है बाबू, ये तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं जमुना। मुझसे छिपाते हो? मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ। मैं एक जरूरी चीज ढूंढता से रहा हूँ, लेकिन वो कहीं नहीं है और अब वो यूं नहीं मिलेगी। जमुना, मैं चाहता हूँ कि अपनी जायदाद के एक बड़े हिस्से को खराब करो, शायद मुझे शांति नसीब हो। और जिस चीज की तलाश है वो मुझे मिल जाए। खुश रहो देवी। कौन? कौन? रमेश बाबू। जमुना, वो चीज मिल गई। क्या चीज? उसे रोको, कहीं चला न जाए। कौन है? रमेश। रमेश? हाँ, रोको उसे, मैं उसकी सेवा करना चाहता हूँ। याद रखना, रमेश को एक खतई मालूम न हो तो उसका सेवक कौन? अब तो बता दो छाया, ये कौन है जो मेरी खातिर बिछा जा रहा है? मैंने उसकी अभी तक आवाज भी तो नहीं सुनी। एक देवता समझ लो उन्हें। काश मैं उस देवता के दर्शन कर सकता। कल ही उनके दर्शन कर लोगे, कल तुम्हारे पट्टी खुल जाएगी। सीधे देख जाइए, थोड़ी देर में आपकी पट्टी खोल दी जाए। क्या हुआ था? धमाका जो हुआ था। ओ, धमाका ऐसे ही हुआ था? ये चीजें गिर पड़ी। आया रमेश की पत्नी घूमने में कितनी देर है? नहीं वाली है अभी। जल्दी ही पट्टी खोल जाओ, देर न करो, जल्दी जाओ। और सुनो, इतनी देर में पट्टी खुले? अच्छा तो पट्टी खुल जाए, मुझे भी खबर करने। Yeah.
तुम भी जाना। कैसा है? अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है मेरा जी। हाँ। तुम घबराओ मत तुम ना, मैं बिल्कुल अच्छा। जाओ जाओ, एक झोंके ही की देर रह गई। आखिरकार तेल खत्म हो ही गया हमारे जीवन, सारी पत्ती जलते जलते राख हो ही गई। बाबू बाबू, रमेश की आंखें मिल गई। बंसी जमुना, प्लीज मिल गई तुम्हें। अच्छा हुआ, मैंने सोचा चलो मैं भी तुम्हें मुबारकबाद दे आऊं। बाबू डरो मत जमुना, मैं कुछ देर और जिंदा रहूंगा, अभी मुझे कुछ कहना है। तुमसे कुछ कहना मेरे पास छाया का दिल मत दुखाना। जमुना मेरी ग्वाले की हड्डियां मेरी हड्डियों के साथ पड़ा, बाबू मां मैं चला।